आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आषाढ़ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जुलाई को है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने मानव जाति को चारों वेदों से जुड़े ज्ञान को बताया था। यही वजह है कि उनके महान योगदान को देखते हुए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर व्रत रखने के कई फायदे होते हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। यदि आप मानसिक समस्या से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा की रात को 15 मिनट तक चांद का दीदार करें। साथ ही चंद्रमा देव से सुख शांति की कामना करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। इस किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि पर दान करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गरीबों एवं जरूरतमंदों को अन्न, झाड़ू, लाल वस्त्र, श्रीफल आदि चीज़ों का दान करें। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन केसर, मखाना और सूखे मेवे से बनी खीर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे विष्णु जी और धन के देवता माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तुलसी, हल्दी अथवा पीले चंदन की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम गुरुवे नमः मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें। इससे कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी ये नमः मंत्र का जप करें। इस दिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पुण्य फल पाने के लिए गंगा स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें।